बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर 2 का लेक्चर 1 जो है वो डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर जो है वो हम लोगों ने एक तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बैक्टीरियल एंड ममेलियन यानी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के कंपोजिशन देखी थी, और जो उसकी परसेंटेजेस थी वो हमने डिस्कस की थी। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर देखा था, फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बिल्डिंग ब्लॉक्स उसके हवाले से हमने देखा, और देन जो है वो हमारे पास हमने आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो थे उनके बेसिक यूनिट्स, केमिकल कंपोनेंट्स और मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स थी उनके हवाले से हमने देखा। सही हो गया ये। उसके अलावा मैंने आप लोगों को इनिशियली जो है वो कुछ मोनोसेक्राइड्स और उसके बाद जो बेसिक यूनिट थे लाइक अमाइनो एसिड था, ठीक है, और उसके बाद आपका फैटी एसिड के हवाले से मैंने आपको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का जनरल स्ट्रक्चर जो है वो कहा था कि आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक हो गया, होपफुली आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी। और दूसरे नंबर पे हमारे पास इसके बाद हम डिटेल में अब इंडिविजुअल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को देखेंगे, और आपने एक चीज याद रखनी है कि अपने माइंड में इन एमसीक्यूज को और इन इन चीजों को जो वो क्लियरली बिठाना है। और मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नंबर ऑफ डिफरेंट आप कह सकते हैं एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं, और उसमें बहुत सारी आप कह सकते हैं चीजें जो कि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं और स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज करता है अपने आप को। ठीक है, तो आपने एक चीज याद रखनी है कि जो एमसीक्यूज है, ठीक है, जो इस चैप्टर के एमसीक्यूज है स्पेशली उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और जब तक आप फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें याद नहीं होनी। ठीक हो गया, तो एटलीस्ट जो भी फॉर्मूला है उसको कम अज कम 5 से 10 दफा जो है वो लिखें। अच्छा, अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारा मेजर बायो मॉलिक्यूल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास, इसको हम सैक्राइड्स भी कहते हैं, हमारे पास क्या है जी ये शुगर्स हैं, हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है, CXH2 या इसका एक जनरल फॉर्मूला है CH2N। ठीक हो गया, तो CH2ON आ जाएगा। अब इसमें एमसीक्यूज आ जाता होता है कि जी जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो आप कह सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की बजाय रेशो का मैं अगर वर्ड यूज करूं तो ये 2:1 है, किसकी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, तो ये वही होती है जो वाटर के अंदर होती है। ठीक है, ये एमसीक्यू एक दफा आ चुका हुआ है कि जी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सेम कंसंट्रेशन जो है वो होगी वो किस मॉलिक्यूल के इक्वल होती है। ठीक हो गया, इसके अलावा डेफिनेशन अगर हम करते हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो है, यानी हमारे पास क्या होता है कि लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास जो है वो क्या है, एल्डो ग्रुप है। ठीक हो गया, और इस एल्डो ग्रुप में क्या होगा, आर होगा, उसके बाद कार्बोनाइल कार्बन है, देन हमारे पास हाइड्रोजन है, जबकि जो कीटो ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप में क्या होगा, सिंपली आर ओ हमारे पास कार्बोनाइल, और उसके बाद हमारे पास ये जो है ये इंडिकेट कर रहा है कार्बन को। ठीक हो गया, ये हमारे पास फॉर्मूला अपने जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो याद रखना है। इसके अलावा कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है लाइक ग्रीन प्लांट्स में हमारे पास मौजूद है प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है, एग्जांपल्स में सेलुलोज और वुड, कॉटन, पेपर है, स्टार्च प्रेजेंट इन सीरियल्स है, रूट्स, ट्यूबर्स, केन शुगर, मिल्क शुगर वगैरह हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी होते हैं लाइक ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोलिपिड्स हो गया। अच्छा, उसके बाद 7 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इंटरलिंक कर सकता है आपके चैप्टर नंबर जो हमारे पास 1 था उसके साथ। ठीक हो गया, अच्छा, उसमें किस तरह से लिखा हुआ, स्ट्रक्चरल रोल इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक हो गया, तो एक तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल सेल, ठीक हो गया, और बैक्टीरियल सेल वॉल, ये दो चीजें डिफरेंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अगर आपको याद हो, आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आप लोगों ने एक चीज याद देखी थी कि जी हमारे पास जो ब्लू कलर में डायग्राम जो सेल मेम्ब्रेन की बुक में बनी हुई है उसकी जो अपर रीजन था, ठीक है, यानी जो उसकी मेम्ब्रेन थी, ठीक है, मेम्ब्रेन की आउटर रीजन थी, वहां पे ब्लूइश कलर के आपको फाइबर नजर आ रहे थे जिसको हमने नाम दिया था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का। तो वहां पे मैंने उसमें एक और नाम भी दिया होगा अगर आपको याद हो, मैंने कहा था प्रोटियोग्लाइकन, ठीक है, क्या हमने नाम दिया था इसको, प्रोटियोग्लाइकन का। ठीक हो गया,
ना प्रोटियोग्लाइकन जो है वो हमारे पास प्रोटीन और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, यानी ये जो ग्लाइकोप्रोटीन उसने लिखा हुआ है ये इसका ही दूसरा नाम है, सिंपल आप कह सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होते हैं, यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑब्वियसली सी बात है ये ग्लाइकोलिपिड्स होंगे तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का पार्ट है। ठीक है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं। ओके, अब हमारे पास जो आपके हैं कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड्स है, ठीक है, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, उस डेफिनेशन को हम यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। अच्छा, इसमें अब हमारे पास इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो उनकी फर्दर फॉर्मेशन किस तरह से होती है, तो उसमें ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स आप लोगों ने जो याद रखने हैं। सिंपली सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है सिंपल शुगर्स है, स्वीट इन टेस्ट है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। ये स्टार मैं लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि पेपर में आया हुआ है ऑलरेडी। तो क्योंकि दूसरे जो क्लास है ऑलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड है वो हमारे पास जो है वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं। ठीक, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, मोनोसैकेराइड हमारे पास हाइड्रोलाइज नहीं होते। उसके बाद दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना, इसको हम आगे डिस्कस भी करते हैं अभी, ऑल कार्बन एटम एक्सेप्ट वन हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक हो गया, ये मैं बताता हूँ कैसे। ओके, 3 to 7 कार्बन होती है, ठीक है, ट्राइओजिस, टेट्रोजिस, पेंटोजिस, उसके बाद हमारे पास हेक्सोजिस होती है, फिर हेप्टोजिस है, उसके बाद ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इंटरमीडिएट इन रेस्पिरेशन। ये एमसीक्यू जो है वो एंटी टेस्ट में पूछा जा चुका है कि हमारे पास जो ग्लिसरल्डिहाइड है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, यानी सिंपली वो पूछ रहे थे कि ये इंटरमीडिएट जो है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड है। ठीक हो गया। अच्छा, ग्लूकोज इन ऑल फ्रूट्स, ग्रेप्स, फिग्स वगैरह के अंदर जो है वो फिक्स इंजीर को हम कहते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, कि ब्लड के अंदर जो है वो 0.08% जो है वो हमारे पास क्या होता है, आप कह सकते हैं ग्लूकोज जो है वो मौजूद होता है। अच्छा, ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट अक्सर गलत करते हैं, वो क्या, यदि वो लिखा हुआ है सेंसेस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, रिक्वायर 717.6 किलो कैलोरी। अब जब बोर्ड में बोर्ड कह रहा हूँ एमसीक्यू जो एंट्री टेस्ट में पूछा जाता है, अब उसमें एमसीक्यू कैसे आया हुआ है ये याद रखना, उसने एमसीक्यू दिया हुआ है 1 ग्राम, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर एनर्जी, तो उसमें ऑप्शन जो है वो कितनी आएगी, क्या हमारे पास आएगी, जरा सोचे। अब अक्सर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ग्राम, मैंने क्या पूछा है 1 ग्राम पेपर में, तो ये क्या होना चाहिए 717.6 हो जाएगा किलो कैलोरी, ये हो जाएगा। अगर 10 ग्राम होगा तो फिर ये 717.6 किलो कैलोरी होगा। इसी तरह अगर ये मैं कहूँ 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बनाना है, ये क्या हो जाएगा 716 किलो कैलोरी हो जाएगा। समझ आ गई इस बात की। तो अब एक चीज याद रखनी है कि ये 3 डिफरेंट वैल्यूज है। स्टूडेंट क्या करता है कि जब यहाँ पे 10 ग्राम बुक में दिया हुआ है वो 1 ग्राम यहाँ पे कर देता है, इधर वैल्यू स्टूडेंट इसको क्लिक कर देता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि वो आपको चेंज भी जो है वो मतलब ट्रिकी चीज जो है वो बना सकता है एक नॉर्मल स्टेटमेंट को। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मूव करें तो हम एग्जांपल्स के जो है वो कोट करते हैं, फिर आपको क्लियरली समझ आएगी कि मोनोसैकेराइड हमारे पास, और आपने फॉर्मूला याद भी रखने होंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास दिया हुआ है ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर जो है हमारे पास अगर यहाँ पे देखेगा तो ये हमारे पास क्या है, एक एल्डो ग्रुप है, ठीक है, और ये हमारे पास जो नीचे है ये आर है सिंपली। ठीक हो गया, जिसमें कार्बन है, कार्बन है, ओ एच ओ एच है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसका फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, C3 होगा। अब H2 होता है, ठीक है, अगर आपको जनरल फॉर्मूला देंगे तो मैंने जनरल फॉर्मूला क्या हमने बताया था, CH2O, ठीक है। तो अब क्या हो गया, C3 यहाँ आ गया, H डबल है, तो इसका मतलब है C3 का डबल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा CH6 और ऑक्सीजन जो है वो 3 हो जाएंगे। यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, ठीक। अब यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे देखेंगे शाबाश कि ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक उन्होंने कीटो ग्रुप की एग्जांपल दी हुई है, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ कीटोज शुगर। नाउ अब इसमें क्या है, 1 2 3 सेकंड कार्बन पे हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल, बाकी एज इट इज है, तो इसका भी जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या होगा, C3H6O3 होगा। यानी याद रखना ये एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर है, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला एक होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। अच्छा, अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, फोर्थ पॉइंट, कि ऑल कार्बन एटम एक्सेप्ट One have hydroxyl group aldo and keto, यानी ये aldo और keto है, तो all carbon, हर carbon जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक hydroxyl और दूसरी तरफ hydrogen group जो है वो रख रहा है, मगर इसके अंदर
हमारे पास जो एक कार्बन है ना, ये वाली इधर पहली और इधर वाली दूसरी, इसके अंदर हाइड्रोक्सिल नहीं है, एक कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जितने भी मोनो शुगर आएंगी, हर मोनो शुगर के अंदर ये चीज याद रखना कि हमारे पास जो कंपोनेंट है, ठीक हो गया, जो चेन है, चेन के अंदर एक जो है वो कार्बोनाइल कार्बन रखती होगी, उसके पास हाइड्रोक्सिल नहीं होगा, ठीक हो गया, ये याद रखें। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अनदर फार्मूला इज जो है वो गिवन। सोचें ये किस चीज का फार्मूला हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फार्मूला दिया हुआ है ये वाला, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब 6 कार्बन है और पहली कार्बन को छोड़ के सेकेंड कार्बन पे हमारे पास जो है वो क्या लगा हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड पे है, तो ये हमारे पास किसका फार्मूला आ जाएगा, ये फ्रुक्टोज का जो है वो आ जाएगा, ठीक हो गया। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखेंगे, C6H12O6। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कार्बन 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये किसका आ जाएगा, हमारे पास सिंपल एल्डो है तो ये आ जाएगा राइबोज, ठीक। अच्छा, अगर हमारे पास, अगर मैं कहूँ कि जी ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में सिंपली यहाँ पे नीचे जो है वो क्या आ जाएगी, एक कार्बन लग जाएगी यहाँ से, ठीक हो गया। तो ये एक चीज है वो आपने याद रखनी है, सही। अच्छा, दूसरी तरफ नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, अच्छा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास जो स्ट्रेट चेन फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास मोनो शुगर्स हैं, ठीक हो गया, मोनो शुगर्स हैं और वो ड्राई कह लें या क्रिस्टल्स की फॉर्म में है, बिल्कुल ड्राई है, मैं क्या करता हूँ उन क्रिस्टल्स या उन ड्राई फॉर्म के अंदर जो मोनो शुगर्स हैं उनको कैप्चर करता हूँ, उनको उठाता हूँ और वाटर में ऐड कर देता हूँ। जब मैं उनको वाटर में ऐड करूंगा तो ये याद रखना कि वो क्या करती है, रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बना देती है। जब वो रिंग स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होता है कि वो वेरिएबल, तो इसका मतलब क्या होगा, जो रिंग स्ट्रक्चर होगा वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा, समझ आ गई है, याद रखना। क्या मैंने कहा, रिंग स्ट्रक्चर किसकी फॉर्म में होगा, सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास किस फॉर्म में है, आप कह सकते हैं सिंपली सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर। तो पूछा जा सकता है कि अगर स्ट्रेट चेन है तो वो किस फॉर्म में होगा, ड्राई या क्रिस्टल की फॉर्म में, रिंग स्ट्रक्चर है तो वो हमारे पास किसकी फॉर्म में होगा, आपके, आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं जितने भी शुगर्स होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये राइबोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब इसमें कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है और कार्बन 5 है। अब इसमें कार्बन 2 को जरा फोकस करना है, यहाँ पे ही हम कुछ डिफरेंसेस क्लियर करते जाते हैं, ये देखिएगा आप जरा। अब इसमें कार्बन 2 पे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो ये राइबोज है, तो ये डीऑक्सीराइबोज है। इसका मतलब है कि जो राइबोज हमारे पास होगी वो हमारे पास किस में आ जाता है, आरएनए की बेस शुगर है, यानी बेस शुगर का मतलब क्या है कि राइबोज में न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो आ जाती है, और डी किसका है, डीएनए के अंदर जो आ जाता है। अच्छा, एक और भी है, अगर मैं यहाँ से ऑक्सीजन को और रिमूव कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी यहाँ भी हाइड्रोजन होगी, यहाँ भी हाइड्रोजन होगी, बाकी स्ट्रक्चर सेम होगा, इसको हम क्या कहेंगे, शाबाश, डाई डीऑक्सी, ठीक हो गया। और डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ये आपने कहाँ पे पढ़ा हुआ था, जहाँ पे आपने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सेंगर सीक्वेंसिंग पढ़ी थी, ठीक है, तो वो जो सेंगर सीक्वेंसिंग थी उसके अंदर हमारे पास जो है ये चीज जो है वो आ जाती है, ठीक हो गया, ये याद रखना है आपने। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर एक इंडिकेट हो रहा है ये किस चीज का, शाबाश, देखें नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक हो गया। अब 1, इसी तरह एक और फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, इसको बाद में देखते हैं, इसको पहले देखेंगे। हमारे पास, मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी और मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर के आपने फॉर्मूलाज को नोट करना है। तो अब अगर कार्बन 1 पे हाइड्रोक्सिल अपवर्ड है तो मैंने बताया था ये क्या है हमारे पास, बीटा है, ठीक हो गया। कार्बन 2 पे हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोक्सिल डाउनवर्ड है, हाइड्रोक्सिल थर्ड पे क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी, आउटवर्ड। इधर 4 पे हाइड्रोक्सिल नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, बीटा ग्लूकोज, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे आ जाए तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, आपसे पूछा गया है कि स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है जी, कि यहाँ पे अगर हम देखें कार्बन, मैं कह रहा हूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, 6 कार्बन है। इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर किस चीज का, हमारे पास फ्रुक्टोज का जो है वो स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। इसका स्ट्रक्चर है, इसका बीटा फ्रुक्टोज भी कह सकते हैं। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पे है कि यहाँ पे भी यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है मगर यहाँ 5th है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है। एक चीज याद रखनी है हमेशा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा ना
हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमेशा कार्बन टू के साथ जो है वो आएगा, यानी टू के साथ, फाइव के साथ जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो अक्सर स्टूडेंट ये कह देते हैं कि सर यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं वन टू, तो हम यहाँ से नंबरिंग नहीं कर सकते किसी भी सूरत के अंदर। नंबरिंग विल ऑलवेज बी फ्रॉम देयर, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है हमारे पास, और वो क्या है, वो ये है कि अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ इस डायग्राम को गौर से देखिएगा, ठीक है। डायग्राम ये है जी कि हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है कि अगर मैं राइबोज की बात करता हूँ, इन राइबोज, ठीक है, मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इन राइबोज, ठीक है, रिंग, ठीक है, राइबोज रिंग नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज आर, ठीक है, और ऑप्शन ए है हमारे पास वन, बीटा ऑप्शन है टू, चार्ली ऑप्शन है सिक्स, डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास फाइव। तो आंसर क्या होगा, ठीक है, बताइए जरा शाबाश, आंसर क्या होगा, वन होगा। क्यों? क्योंकि ये रिंग है हमारे पास, तो इस रिंग के अंदर कितनी आ रही है, वन आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा एक तो ये एमसीक्यू हो गया, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि जी ये तो बल्कि सब में ही पूछा जाता है और ये आज आ चुका हुआ है कि इन राइबोज रिंग, ठीक हो गया, ऑक्सीजन एटम लाइज इन बिटवीन, ठीक है, ऑक्सीजन एटम लाइज, राइबोज में कौन सी कार्बन के दरमियान में, शाबाश, राइबोज में कौन सी कार्बन के दरमियान में है, शाबाश, ये देखिए कार्बन वन है, इधर कार्बन फोर है, तो ये याद रखना है कि कार्बन सी वन, ठीक है, और हमारे पास एंड सी फोर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अगर पूछा जाए डी ऑक्सी राइबोज, ठीक है, उसमें क्या होगा, अगेन सी वन एंड सी फोर। अच्छा इसी तरह अगर पूछा जाए कि जी बीटा ग्लूकोज, ठीक है, इसमें अल्फा ग्लूकोज भी हम लगा सकते हैं, बीटा ग्लूकोज भी लगा सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे कार्बन वन है, ऑक्सीजन है, और इधर क्या है, कार्बन फाइव, तो याद रखना सी वन एंड सी हमारे पास क्या आ जाएगा, सी फाइव आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा फ्रुक्टोज में देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी बीटा फ्रुक्टोज के अंदर हमारे पास क्या होगा, ठीक है, यहाँ देखिए ये कार्बन टू है, ये इधर कार्बन फाइव है, तो सी टू एंड सी फाइव, ये याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो बनते हैं कि जी हमारे पास राइबोज रिंग में कितनी ऑक्सीजन है, ग्लूकोज रिंग में कितनी है, ठीक है, इसी तरह फ्रुक्टोज रिंग में कितनी है, फिर वो जो ऑक्सीजन है वो कौन कौन सी कार्बन के दरमियान में, मैंने सारी चीजें यहाँ लिख दी है, ये आपने अपने नोट्स के ऊपर जो है वो ड्रॉ कर लेना है, ठीक हो गया। अच्छा एक और आगे देखते हैं, अब ये देखिए हमारे पास क्या बना हुआ है, ये अल्फा ग्लूकोज, मैंने बताया था कि अगर वन कार्बन पे हाइड्रोक्सिल डाउनवर्ड है, हाइड्रोजन अपवर्ड है, और फोर पे भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सिल डाउनवर्ड है, हाइड्रोजन अपवर्ड है, तो मैंने बताया था ये अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज होगा, ठीक है, एक पायरानोज टर्म, एक फ्यूरानोज है, फ्यूरानोज फाइव कार्नर जो है हमारे पास क्या होता है, रिंग होगी। इसी तरह यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज ग्लूकोपायरानोज है, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, इसमें क्या है, हाइड्रोक्सिल वन पे अपवर्ड चला गया, उसके बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल इधर ही नीचे ही रहा, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, समझ आ गई, आपने एक चीज को जो है वो क्लियरली देख लेना है, ठीक है, ये हमारे पास मैं कह रहा हूँ कि जी ये है मेरे पास अगेन एक रिंग, ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गई अगेन एक रिंग, ठीक है, ये आ गया जी, सॉरी, ये आ गई रिंग, ठीक हो गया, ये कार्बन वन, उसके बाद कार्बन टू थ्री फोर एंड फाइव, कार्बन वन फोर, ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब कार्बन वन पे मैंने बताया ये सी एच टू ओ एच ऐसे ही रहेगा, उसके बाद सी एच टू ओ एच ऐसे ही रहेगा, ठीक हो गया। नाउ अब जो हमारे पास कार्बन वन है, ठीक है, कार्बन वन पे मैं कहता हूँ हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोक्सिल डाउनवर्ड है, हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोक्सिल डाउनवर्ड है, कार्बन थ्री पे हाइड्रोक्सिल ऊपर चला जाता है, आपको पता है, और नीचे आ जाएगा, सही हो गया।
अब मैं क्या करता हूँ कि जो कार्बन नंबर ये 2 थी, ये 3 थी, ये 4 थी, कार्बन नंबर 4 पे ना मैं यहाँ पे, अब देखो मैंने क्या किया है, बल्कि इसको मैं ऊपर वाले के केबल लिखता हूँ। ये देखिए आप जरा यहाँ पे ये हमारे पास है, ठीक है, ऊपर इसको इसके साथ कंपेरिजन करें जरा क्या आ रहा है। यहाँ पे 1 के साथ हाइड्रोक्सिल ऊपर है, और इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इस पोर्शन को और देखना जरा, इतने से पोर्शन को इधर मैं हाइड्रोक्सिल को भी ऊपर ले गया हूँ और इधर हाइड्रोजन नीचे आ गया, बाकी फॉर्मूला सेम है, यानी फोर्थ पोजीशन पे चेंज होगी पोजीशन, ठीक हो गया, हाइड्रोक्सिल और रिवर्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं 1, इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल है, इसी तरह हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल, यहाँ हाइड्रोक्सिल, यहाँ हाइड्रोजन। अब जो कार्बन नंबर 4 है, ठीक है, ये 2 थी, ये 3 थी, और कार्बन 4, कार्बन 4 पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल नीचे, तो मैं हाइड्रोक्सिल ऊपर ले गया और हाइड्रोजन, बाकी सारा फॉर्मूला सेम एज इट इज रहने दिया। अब यहाँ पे देखें, 1 पे हाइड्रोक्सिल नीचे था तो ये क्या हो गया अल्फा, इधर 1 पे हाइड्रोक्सिल ऊपर है तो ये क्या हो गया बीटा। अब अगर 4 पे हाइड्रोक्सिल अपवर्ड होगा तो इसको हम कहेंगे अल्फा गैलेक्टोज, ठीक हो गया, और अगर 4 पे हाइड्रोक्सिल ऊपर है, सिर्फ क्या हो रहा है चेंज, बीटा चेंज हो रहा है, तो बाकी क्या हो जाएगा गैलेक्टोज। तो अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, अल्फा गैलेक्टोज बीटा गैलेक्टोज, अल्फा गैलेक्टोज बीटा गैलेक्टोज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या है, कार्बन 1 पे हाइड्रोक्सिल ऊपर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोक्सिल नीचे है, कार्बन 4 पे हाइड्रोजन इधर ऊपर है, हाइड्रोक्सिल इधर नीचे है, तो 4 पे हाइड्रोक्सिल अपवर्ड चला जाएगा, हाइड्रोजन डाउनवर्ड आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा गैलेक्टोज, ठीक है। इसी तरह मैंने पीछे आपको अभी कार्बन नंबर बताया कि कौन कौन सी कार्बन के दरमियान होगा, तो आपसे बीटा गैलेक्टोज के बारे में पूछ सकता है, अल्फा गैलेक्टोज के बारे में, बीटा और अल्फा दोनों के बारे में पूछ सकता है, और पूछ सकता है जी कार्बन नंबर कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। बाय द वे इन सारों का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास C6H12O6 है, उसकी रीजन क्या है, ये सारे के सारे ग्लूकोज के क्या है आइसोमर, ठीक हो गया। अच्छा अब आगे हमारे पास आ रहा है ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ये चीजें कुछ याद रखने वाली है, ये लेस स्वीट होते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर है, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, पीछे हमने मोनोसैकेराइड के बारे में क्या पढ़ा था, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो चीज आ रही है वो आ रही है जी के जो 2 मोनोसैकेराइड गिव राइज टू डाइसैकेराइड बॉन्ड इज ग्लाइकोलिटिक बॉन्ड, ये मैं आपको पहले ही बता के आ चुका हूँ, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने, ठीक है, वो आपको दी हुई है माल्टोज की, ठीक हो गया, माल्टोज में ग्लूकोज ग्लूकोज है और अल्फा, अब ये लिंकेजेस आपने याद रखने हैं, ठीक हो गया, ये लिंकेजेस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक हो गया। मैं बल्कि इसको दूसरी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप बुक में जो डायग्राम दी हुई है उसको हम देखते हैं पहले, ठीक है। इसमें याद क्या रखना है, माल्टोज का मोनोमर क्या है, क्योंकि आप ये देखें ओलिगोसैकेराइड, इनको डाइसैकेराइड भी कहेंगे, यानी 2 हमारे पास मोनोशुगर मिलेंगी और मिलके क्या बना देंगी ओलिगोसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड, ठीक हो गया। यानी जैसे माल्टोज है, माल्टोज अब डाइसैकेराइड है, सुक्रोज क्या है डाइसैकेराइड है, लैक्टोज क्या है डाइसैकेराइड है, मगर जो ग्लूकोज माल्टोज है, ठीक है, ये हमारे पास ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी 2 अल्फा ग्लूकोज आपस में कंबाइन होते हैं और मिलके क्या बना देते हैं माल्टोज, और इनमें लिंकेज क्या होगा अल्फा 1,4 लिंकेज होगा। इसी तरह सुक्रोज है, इसमें लिंकेज क्या होगा अल्फा 1,2 बीटा भी कह देते हैं इसको, अल्फा 1,2 ग्लाइकोलिटिक बॉन्ड कह देते हैं। लैक्टोज है, इसको हम गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज यानी गैलेक्टोज और ग्लूकोज 2 मोनो शुगर से जो है वो क्या है मिलकर बना हुआ है, ठीक हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा बीटा 1,4 ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोज होता है और बीटा ही हमारे पास क्या होता है ग्लूकोज होता है, ठीक हो गया। अच्छा इसमें अब आगे बुक में की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है जी, यहाँ पे देखिएगा ये अल्फा डी ग्लूकोज है, यहाँ पे बीटा डी फ्रक्टोज है, ठीक है, ये देखिए कार्बन 2 है, इधर हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है, इधर कार्बन 5 है, तो सिर्फ हाइड्रोजन लगा है। अब अल्फा ग्लूकोज में हमने पढ़ा कि 1 पे हाइड्रोक्सिल डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे 1 है अल्फा ग्लूकोज का, 2 से हाइड्रोक्सिल है, ये क्या करेगा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, ठीक। जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो पीछे हमारे पास क्या होता है 1 और 2 लिंकेज जो है वो हमारे पास बन जाता है, और मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था COC जो लिंकेज हमारे पास बनेगा वो क्या होगा आपका जो है वो ग्लाइकोसिडिक जो है वो बॉन्ड होगा, ठीक हो गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक हो गया, ये आपने जो है वो याद रखना है, सही हो गया। अच्छा इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है आगे माल्टोज का आ रहा है, अब माल्टोज में क्या है 2 अल्फा ग्लूकोज बनाने हैं आपने, ये देखिएगा जरा
हमारे पास, मैं कह रहा हूँ कि जी मेरे पास जो है दो अल्फा ग्लूकोज है, ये एक है, ठीक है, इस तरह से, इसी तरह ये एक और अल्फा ग्लूकोज है। अब अल्फा ग्लूकोज की मैंने हिंट आपको बताई थी, हिंट क्या है जी, ठीक है, हिंट क्या होगी हमारे पास कि कार्बन वन पे यहाँ पे क्या रहेगा, सी एच टू ओ एच, यहाँ क्या आ जाएगा, सी एच टू ओ एच, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कार्बन वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। अब इधर देखिए, ये कार्बन फोर है। अब अल्फा ग्लूकोज में क्या होता है, दोनों तरफ हाइड्रोक्सल डाउनवर्ड था, इधर भी हाइड्रोक्सल डाउनवर्ड था, इधर भी हाइड्रोक्सल डाउनवर्ड था, इधर भी डाउनवर्ड, इधर भी डाउनवर्ड, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होगा कि इधर से कार्बन वन का हाइड्रोक्सल है फ्री है, इधर से हमारे पास कार्बन फोर का हाइड्रोक्सल फ्री है, ये आपस में लिंक करके तो अल्फा ग्लूकोज, ठीक हो गया, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोक्सल, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, ये मिलेंगे और क्या बना देंगे, माल्टोज जो है वो हमारे पास बना देते हैं, ठीक हो गया। ये फॉर्मूला जो है वो आपने याद रखना है, क्लियरली अपने माइंड में जो है वो बिठा लेना, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है वो हमारे पास नीचे इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज लैक्टोज माल्टोज गैलेक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। जितने भी मोनो शुगर्स हैं मैक्सिमम सारी की सारी हमारे पास क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर्स होती है, ठीक हो गया। जितनी भी डाइसैकेराइड यानी ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड है, मैक्सिमम उनमें सारी की सारी नॉन रिड्यूसिंग जो है वो शुगर होती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास में इसकी जो लैक्टोज की बात करते हैं हम, ठीक है, तो लैक्टोज की भी मैं आपको यहीं पे ही एग्जांपल देता जाता हूँ, इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, लैक्टोज की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या कहा, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ बीटा गैलेक्टोज, ठीक है, बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं पहले बनाऊंगा बीटा गैलेक्टोज, अभी मैं आपको पीछे बता के आ रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, इस तरह से ये है जी फार्मूला बना हुआ, ठीक है, ये वन टू थ्री फोर एंड फाइव, यहाँ आ जाएगा सी एच टू ओ एच। अब ये बीटा गैलेक्टोज है, ठीक हो गया। बीटा गैलेक्टोज में क्या होगा, कार्बन वन पे भी बताया हाइड्रोक्सल ऊपर होता है, हाइड्रोजन नीचे होता है, ठीक है, इधर ये मैं नहीं लगा रहा, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल आ जाएगा, इधर हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन, और कार्बन फोर पे भी हमने क्या कहा था, हाइड्रोक्सल ऊपर होता है हाइड्रोजन नीचे होता है, ठीक। अब ये लिंक इसके साथ करना है, इसने बीटा ग्लूकोज के साथ, बीटा ग्लूकोज का फॉर्मूला हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, शाबाश, ये होगा जी इस तरह से, तो कार्बन वन पे हाइड्रोक्सल ऊपर होगा, हाइड्रोजन नीचे होगा, इस तरह से ये आ जाएगा, और कार्बन फोर पे आपको पता है हाइड्रोजन ऊपर होता था और हाइड्रोक्सल नीचे था, तो अभी क्या होगा, ये यहाँ से इस रीजन के साथ क्या कर जाता है, लिंक कर जाता है। तो अब इधर से कार्बन वन है, इधर से कार्बन वन टू थ्री फोर है, इसका मतलब है दोनों बीटा है, ये बीटा ग्लूकोज है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इसमें सिर्फ याद आपने क्या रखना है, हमारे पास जो ओलिगोसैकेराइड यानी डाइसैकेराइड की एग्जांपल दी हुई है, ठीक हो गया। अच्छा, अब डाइसैकेराइड में आपसे पूछा जाए कि जी वन डाइसैकेराइड कंटेन, ठीक है, वन डाइसैकेराइड कंटेन हाउ मेनी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो एक डाइसैकेराइड में कितने होते हैं, ऑब्वियसली सी बात है, दो दो मोनो शुगर होंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि जो आपका आ जाएगा क्या कहते हैं इसको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो वन आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको माल्टोज और लैक्टोज का स्ट्रक्चर भी दिया है, याद रख लेंगे इसको, नोट्स कर लेंगे, नोट बना लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाएंगे ठीक है तो इससे कोई हर्ज नहीं पड़ेगा, मगर आपने लिंकेजेस जो मैंने लिख दिए हैं ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में भी ये कुछ जनरल फीचर्स हैं, ठीक है, इसमें आपने याद रखना है, और जो मोस्ट क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको बताने लगा हूँ, ठीक है, वो ये है कि जी ये तो सिंपली आ जाएगा हमारे पास सारी चीजें, इसमें जो एंट्री टेस्ट में एमसीक्यू जो आ चुका है वो ये आ चुका है कि अनब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज सॉल्युबल इन हॉट वाटर है, एमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करते हैं ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, स्टार्च गिव राइज ब्लू कलर विद आई, ठीक है, ये भी एंटी टेस्ट में जो है वो एक चीज पूछी जा चुकी है, ठीक है, ये भी एक चीज याद है, वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। अमाइलोज सॉल्ट वाटर के अंदर जो है वो क्या सॉल्युबल है, ठीक है, जबकि ये इनसॉल्युबल होते हैं इवन हॉट या कोल्ड वाटर दोनों, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये एग्जाम्पल जो है वो आ रही है, ठीक हो गया, हमारे पास अमाइलोज की, ठीक है। अब अमाइलोज में जो है वो एक चीज याद रखनी है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता जाता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है ये हमारे पास सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है किस चीज का है, ये अल्फा ग्लूकोज है, ये अल्फा ग्लूकोज है,
ठीक है, इसी तरह ये अल्फा ग्लूकोज यानी अमाइलोज में जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास क्या है, अल्फा ग्लूकोज है। ये स्ट्रक्चर आपने याद नहीं रखना, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ स्ट्रक्चर आपने याद नहीं रखना, उसकी रीजन है, और उसकी रीजन क्या है कि आपके बुक में नहीं दिया हुआ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए जो चीज आपने नोट करनी है वो मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, ठीक हो गया। तो वो क्या है, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। अब देखिए कार्बन को अगर नंबर करें हम 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 में आगे नहीं जाता। अब देखें ये 1 है, इधर 4 है, ये आपस में क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। तो आपने ये याद रखना है कि अल्फा ग्लूकोज आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, और अल्फा ग्लूकोज आपस में कंबाइन करते हैं और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो बनाते हैं, ठीक है। और ये जो अल्फा हमारे पास लिंकेज बनता है अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज का आपस में जो लिंकेज बनेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा स्ट्रेट चेन है, आपको कोई चेन ये नहीं है कि ब्रांचिंग नजर आ रही। तो अमाइलोज के अंदर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेशन है। अमाइलोपेक्टिन जो है वो दूसरी आप कह सकते हैं ब्रांच्ड चेन है, ये हमने पहला पॉइंट भी इसका लिखा है। इसमें सिंपल आपने याद रखना है ये वाला स्ट्रक्चर। अब इसमें इसमें भी अमाइलोपेक्टिन में भी अल्फा ग्लूकोज होते हैं, ठीक है, ये भी अल्फा ग्लूकोज 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 है, ठीक हो गया, ये भी अल्फा ग्लूकोज है। अब इसमें भी डिफरेंस क्या है, इसमें होता ये है कि ये एक चेन है, ठीक है, ये दूसरी चेन है। अब जो हमारे पास ये एक चेन है, इस एक चेन के अंदर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अवेलेबल था, दूसरी चेन में कार्बन 6 का आपको पता है CH2OH होता है ना, ठीक है, CH2OH, इधर से भी OH था, तो क्या हुआ कि ये यहीं से OH और इधर से OH आपस में लिंक किया, और लिंक करने के बाद हमारे पास उसने क्या कर दिया, ये देखिएगा, अब ये नंबर का है जरा 1, 2, 3, 4, 5 and 6, और इधर से 1, 2, 3, 4, 5 and 6, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास अमाइलोपेक्टिन है, ठीक है, उसके अंदर अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक, ये देखो ना, ये है 1,4, ठीक है, और ब्रांच चेन के अंदर क्या हो गया, अल्फा जो है हमारे पास 1,6 जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, ठीक हो गया। ये चीज आपने याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रख ले, ठीक है, नहीं याद रखते कोई हरज नहीं, ठीक। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, अगर मैं अमाइलोपेक्टिन को उठाऊं, आपको पता है कि जी जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, स्टार्च होती है। अच्छा, अमाइलोपेक्टिन को मैं अगर उठाऊं और उठा के ह्यूमन के अंदर जो है वो एनिमल्स के अंदर लिवर में ऐड कर दूं या मसल्स के अंदर ऐड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ग्लाइकोजन हो जाएगा। समझ आ गई, क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लाइकोजन के अंदर भी अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊं, यही स्ट्रक्चर किसका होगा, ग्लाइकोजन का होगा, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या करता है, रेड कलर देता है विद आयोडीन, ठीक हो गया, और गिव ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी अल्फा ग्लूकोज ऑब्वियसली से देगा। उसके बाद हमारे पास जो है सेलुलोज आ रहा है, ठीक है, सेलुलोज अबंडेंट इन नेचर है, कॉटन इज प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज होती है, सेल वॉल कंपोनेंट हाईली, ठीक है, ये सारी जो है ये, और ये जो इम्पोर्टेंट चीज वो क्या है कि ये कलर जो है वो हमारे पास नहीं देता। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें जो बेसिक यूनिट होता है हमारे पास, याद रखिएगा, वो बीटा ग्लूकोज होता है, ठीक हो गया, और इसमें क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 and 6, यहाँ पे कार्बन नंबर जो है वो 1 स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक हो गया। तो यानी आप याद रखना ऑक्सीजन के बिल्कुल साथ थे, तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6, और इधर से क्या आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ये देखिए 1 और 4 आपस में क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है इधर से। तो इसमें एक बॉन्ड ऊपर होता है, एक बॉन्ड नीचे होता है, फिर ऊपर होता है, फिर नीचे होता है, ये सारा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। आपने चीज क्या याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जो बीटा ग्लूकोज है, ठीक है, वो मिलकर क्या बना रहा होता है हमारे पास, सेलुलोज बना रहा होता है, और इसमें लिंकेज क्या होता है, बीटा 1,4, जबकि ग्लाइकोजन के अंदर क्या होता है, अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक हो गया। अब मैं इसको अगर क्लियरली आपको शो करूं, ठीक है, तो क्लियरली हमारे पास कहाँ पे, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे चीज, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, ठीक हो गया। ये आ गया जी हमारे पास स्ट्रक्चर, और इसमें जो है हमारे पास एक चीज याद रखने वाली है, और वो क्या है हमारे पास, मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास जो जो आपके हैं ओलिगोसैकेराइड यानी डाइसैकेराइड है, ठीक है, डाइसैकेराइड को जरा देख लीजिएगा,
डाइसैकेराइड में हमने अमाइलोज की एग्जांपल पढ़ी है, अमाइलोज के बाद हमने अमाइलोपेक्टिन की एग्जांपल पढ़ी है, ठीक हो गया। अमाइलोपेक्टिन के बाद हमने ग्लाइकोजन की एग्जांपल पढ़ी है, ग्लाइकोजन के बाद हमने सेलुलोज की एग्जांपल पढ़ी है, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास जो है ये, अब इसमें आपको आ सकता है जी मोनोमर क्या है, अमाइलोज है वो मिलकर बना होता है अल्फा ग्लूकोज से, अमाइलोपेक्टिन भी किससे मिलकर बना होता है अल्फा ग्लूकोज से, ग्लाइकोजन किससे मिलकर बना होता है अल्फा ग्लूकोज से, सेलुलोज किससे मिलकर बना होता है बीटा ग्लूकोज से, ठीक हो गया। इसमें जो है हमारे पास लिंकेज कौन सा होता है अल्फा, इसमें होगा हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक हो गया। इसी तरह अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है हमारे पास अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सेम बॉन्डिंग है हमारे पास किसमें होगी अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये किसमें हो जाएगा ग्लाइकोजन में, सेलुलोज में। अभी मैं बता के हूँ कि बीटा ग्लूकोज से मिलेगा और ये क्या बना देगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक हो गया। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपने याद रखनी है, एक तो मैंने ये बताया आपको। दूसरी चीज जो याद रखने वाली जी बड़ी इंपॉर्टेंट वो क्या है कि माल्टोज का जो मोनोमर है वो क्या है। पहली बात तो ये कि माल्टोज क्या है याद रखना, ये डाइसैकेराइड है, ठीक हो गया। माल्टोज में यूनिट क्या है अल्फा ग्लूकोज, ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह अल्फा ग्लूकोज आपस में मिलता है अल्फा 1,4, ठीक हो गया, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ठीक हो गया, ये माल्टोज के अंदर है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सुक्रोज की, ठीक है, तो सुक्रोज के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा है सुक्रोज में, आपको पढ़ा है कि जी अल्फा ग्लूकोज, ठीक हो गया, प्लस बीटा फ्रुक्टोज ये मिलेगा और अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारे पास बनेगा, ठीक हो गया, और ये क्या बना देगा सुक्रोज। इसी तरह लैक्टोज आ जाता है, लैक्टोज के अंदर हमने भी पढ़ा कि बीटा ग्लैक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज मिलकर क्या बना देता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक हो गया। तो ये लिंकेजेस जो है वो आपको बहुत सारे लिंकेजेस हैं, ये सारे लिंकेजेस आपको माइंड में बिठानी है और इन लिंकेजेस को याद रखने के लिए मैंने आपको अगेन वो एक बात कही कि आपने इसका फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। अच्छा अच्छा एक और बड़ी मजे की चीज यहाँ पे आ रही है और मैं इसको बताने लगा हूँ, इसको गौर से देख लीजिएगा, ये भी पूछी जा चुकी है, वो क्या है, ठीक है। अगर मैं पूछूं सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, आप सब बताएंगे शाबाश क्या होगा, C12, ठीक हो गया, H22O11, ठीक हो गया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जी ये तो सुक्रोज का हो गया, माल्टोज का क्या है या लैक्टोज का क्या है, तो याद रखना इन तीनों का भी सेम यही जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ये आपने अपने माइंड में बिठा लेना है, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने जो चीज देखी ये था हमारे पास किसके हवाले से मोनो ग्लू जो आपके हैं कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से आपने ये चीज अपने माइंड में बिठानी है, प्रॉपरली इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक हो गया, और उसके बाद जो है हम फर्दर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो बेस पे था, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट की जनरल फीचर्स पढ़े, उसके बाद मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसके एमसीक्यू डिस्कस किए, उसके बाद हमारे पास ओलिगोसैकेराइड था, फिर हमारे पास पॉलीसैकेराइड आ गया, ठीक है, और फर्दर हमने उनके क्या करे लिंकेजेस पढ़े और मैंने आपको यहाँ पे इनकी अलग स्लाइड के ऊपर जो है वो भी इंडिकेट कर दिया, ठीक हो गया। ये आज का फिलहाल हमारा लेक्चर है, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से प्रोटीन्स के हवाले से।